हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेंडल के नियम के बारे में। दोस्तों, ये नियम क्लास 10th और 12th में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। हर साल बोर्ड में आपको एक नियम जरूर से लिखने को मिल जाएगा, 10th हो या 12th। इस बार भी मेंडल का नियम लिखने को आया था बोर्ड में और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इन्हें आप बहुत से लोग इन्हें रट लेते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। जो समझने के लिए आपको फुल वीडियो वॉच करना होगा, क्योंकि आज की वीडियो के बाद आपको दोबारा मेंडल का नियम जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, पूरी रट जाएगा, यानी बिल्कुल भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट क्लियर होंगे। वीडियो को फुल वॉच करना, चलिए शुरू करते हैं। तो मेंडल के नियम जो है, आप लोग सब लोगों को पता होगा, मेंडल ने मटर के पौधे पे प्रयोग किया था। मटर का वैज्ञानिक नाम आपको लिख देना है ताकि इस इंप्रेशन बढ़े तो अच्छा नंबर मिले। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइजम सैटिवम। तो पाइजम सैटिवम पे इन्होंने प्रयोग किया और इन्होंने अनुवांशिकी से संबंधित नियम प्रतिपादित किए। ठीक है, तो अनुवांशिकी से संबंधित नियम इन्होंने बनाए जो मटर के पौधे पर थे। तो इनका जो फर्स्ट नियम है, इन्होंने इन पे तीन लॉ दिए, यानी तीन नियम दिए, और तीनों नियम के नाम है प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवहन का नियम। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम क्या था ये चलिए शुरू करते हैं। जब कह रहा है, जब परस्पर विपरीत लक्षण वाले दो शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो यफन पीढ़ी में एक लक्षण प्रकट हो जाता है, उसे प्रभावी लक्षण तथा इसे मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। पहले बात को समझिए, यहां पर कह रहा है जब परस्पर विपरीत लक्षण वाले, यानी लक्षण जो है विपरीत होंगे, परस्पर विपरीत लक्षण वाले दो शुद्ध जन को, जैसे एक लाल पुष्प हमने ले लिया, एक सफेद पुष्प ले लिया। लाल को आप कैसे दर्शाएंगे? अब यहाँ पे आर का मतलब होता है रेड, इसलिए हम आर आर से, और सफेद को आप वाइट से नहीं दर्शाएंगे, यहाँ पे आर आर इसे स्मॉल आर से दर्शा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने दो जोड़ी लिए, ठीक है, विपरीत लक्षण लिए, एक लाल पुष्प लिया, एक सफेद पुष्प लिया, के बीच संकरण कराया जाता है एफ1 पीढ़ी। जब हमने इसमें क्रॉस कराया तो जो यहाँ पे F1 पीढ़ी आई, F1 पीढ़ी में यहाँ पे आर आर यानी संकर पौधा जो प्राप्त हुआ, इसमें दो कलर आ गए, यानी एक इस आर का, लेक इस आर का, लेकिन प्रभावी कौन सा होगा? ये वाला आर होगा। तो ये वाला आर प्रभावी है, इसलिए यहाँ पर आर आर हो जाएगा। F1 पीढ़ी संकर लाल पुष्प प्राप्त हो गया और ये कौन सा है? आर है, सॉरी लाल पुष्प भी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये था मेंडल का प्रभाविता का नियम। आपको कैसे लिखना है? जब परस्पर दो जोड़ी विपरीत लक्षण, दो जोड़ी हमने लिए, ठीक है, एक जोड़ी है, एक जोड़ी है, विपरीत लक्षण लिए, उनके बीच क्रॉस कराया, एक F1 पीढ़ी में एक संकर पौधा प्राप्त हुआ और वो पौधा कौन सा था? लाल। उसमें एक प्रभावी रंग हुआ, यानी चाहे वो लाल हुआ या सफेद, सफेद छिप गया, लाल प्रभावी है, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम। अगला नियम समझते हैं। अगला नियम हमारा क्या है? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम नाम से ही स्पष्ट है, पृथक्करण का नियम, यानी इसमें कुछ तो ऐसा है जो अलग हो जा रहा है। क्या अलग हो रहा है वही हमें पकड़ना है। पृथक मतलब अलग होना, यानी कुछ ऐसा है जो अलग हो रहा है और वही पृथक्करण का नियम वहीं से आया है। ठीक है, जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर पौधे में स्वपरागण कराया जाता है। आपने देखा F1 पीढ़ी में एक हमें यहाँ पे संकर पौधा प्राप्त हुआ RR, यहाँ पे आप TT भी ले सकते थे, इस लंबा और झुर्रीदार, यहाँ पे आप सॉरी लंबा बौना ले सकते थे, तो ये लंबा लेते तो TT हो जाता, बौना लेते तो स्मॉल टी हो जाता। संकर पौधे के बीच स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में इनका विपरीत लक्षणों के निश्चित अनुपात में पृथक्करण, अलग हो जाते हैं एक निश्चित अनुपात में विपरीत लक्षणों में। F2 पीढ़ी अब क्या है ये समझते हैं। ठीक है, और इनमें युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। बात क्या कह रहा है ये समझिए, जैसे हमने F1 पीढ़ी में RR प्राप्त हुआ, मान लेते हैं हमें RR से भी करा सकते थे, लेकिन समझने के लिए हर एक थ्योरी हमें पार्ट वाइज समझना है। तो एक TT हो गया, हमने ये ले लिया इस बार, तो ये F1 पीढ़ी में जो हमें ये संकर पौधा प्राप्त हो, ठीक उसी प्रकार है जैसा पहला नियम था। फिर इसमें से हमें जब यहाँ से जो प्राप्त हुआ, इसमें जब हमने स्वपरागण कराया, स्वपरागण मतलब इन्हीं के बीच क्रॉस करा दिया, तो एक TT ले लिया, एक यहाँ पे TT ले लिया, तो इनका क्रॉस कराया तो हमें अनुपात क्या मिला? एक TT, एक मिल गया लाल, मतलब सॉरी लंबा, शुद्ध लंबा, एक मिल गया बौना, शुद्ध बौना, और एक मिल गया यहाँ पे ये भी टॉल, यानी दोनों लंबे, तो इस प्रकार हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये था पृथक्करण का नियम। जैसे अब यहाँ से प्राप्त में एक निश्चित अनुपात में इनका विपरीत लक्षणों में पृथक्करण हो गया, जैसे ये विपरीत, ये विपरीत, ये विपरीत,
तो यहां पे इसी तरह होता है। अब अगला नियम इनका देखते हैं, अगला नियम क्या है, अगला नियम है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। ठीक है, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम क्या है, जब दो जोड़ी से अधिक, जब दो या दो से अधिक युग्मकों के लिए, यानी अब हमें क्या करना है, दो से अधिक युग्मक हैं, मतलब अब एक युग्मक नहीं है, अब दो से अधिक युग्मकों के लिए दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले, फिर से वही दो जोड़ी लेंगे विपरीत लक्षण लेंगे वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो इन कारकों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है तथा ये पृथक होकर जनकों के किसी भी लक्षण से संयोग कर लेते हैं। तो बात समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो जोड़ी विपरीत, जैसे हमने लिया, कह रहा है दो जोड़ी युग्मक ले लिए, युग्मक मतलब दो, दो जोड़ी ले लिए, ठीक है, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच हमने क्रॉस कराया तो हमें वाई वाई आर आर प्राप्त हुआ। ये वाई वाई का मतलब क्या है, पीला, वाई मतलब येलो, येलो मतलब पीला, आर राउंड मतलब गोल, इसलिए आर ले लिए, हरा पीला से हरा ले लेंगे तो स्मॉल वाई ले लेंगे, और झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर ले लेंगे। ठीक है, फिर पीला गोल हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया, आप जानते हैं मेंडल के पहले नियम से आया, प्रभावी होगा इसलिए पीला ले लिया, और यहाँ पे आर हो गया इसलिए यहाँ पे आर ले लिया। अब यहाँ से जब इनका क्रॉस हमने कराया, इस वाई वाई आर आर का, वाई वाई और आर आर का अलग अलग क्रॉस कराया, तो हमें इस प्रकार का अनुपात प्राप्त हुआ। अगर हम इनसे फिर से कराते हैं तो हमें चकरबोर्ड प्राप्त होता है, और वही चकरबोर्ड जो है मेंडल के स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है। जो चकरबोर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, तो चकरबोर्ड आपने देखा वाई आर वाई आर वाई वाई आर आर सब हमने कराया, तो इसका अनुपात जो हमें मिलता है 9:3:1। तो जैसे 9 क्या है, पीला गोल है, और 3 क्या है, पीला झुर्रीदार है, फिर 3 क्या है, हरा गोल है, और 1 क्या है, हरा झुर्रीदार है। तो ये आपको याद रखना है मेंडल के तीसरे नियम का अनुपात क्या निकला था। ठीक है, इसे फिनोटाइप अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, फिनोटाइप पूछे तो 9:3:1। चकरबोर्ड बाकी आपको इससे क्रॉस करा के पूरा चकरबोर्ड आपको बना लेना है। ठीक है, बाकी इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां पे आपको इसका फुल नोट्स जो है देखने को मिलेगा, और अच्छी तैयारी भी आपकी वहां से होती रहेगी बोर्ड की। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आपकी तैयारी फुल यहां पे चलती रहेगी। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।